लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात है स्वामी। पिताश्री ने मुझे युद्ध में न जाने की आज्ञा देकर ठीक नहीं किया। अब शत्रु मुझे कायर समझेगा। लंकेश्वर ने आपकी सुरक्षा का विचार रखते हुए आपको युद्ध में जाने से रोका है स्वामी। लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र से बचने के बाद अब और भयानक हो उठा होगा। अब आपको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है स्वामी। सावधानी? हम पूर्ण रूप से सावधान हैं सुलोचना। हम जानते हैं फिर से जीवित लक्ष्मण की मृत्यु अब भी हमसे दूर नहीं है। वो हमारे हाथों शीघ्र ही मारा जाएगा। मेघनाथ, पुत्र, सुलोचना का कथन सत्य है। तुम्हें सावधान रहना ही होगा। तुम्हारे प्राणों पर अब संकट मंडराने लगा है पुत्र। कैसा संकट माताश्री? कल रात मेरे सपने में हमारी कुलदेवी निकुंभिला आई थी और उन्होंने कहा है कि मेघनाथ के प्राण संकट में हैं। उस संकट के निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, क्या ये नहीं बताया कुलदेवी ने? कुलदेवी ने कहा कि मेघनाथ को उनके मंदिर में जाकर शक्ति यज्ञ करना होगा और शक्ति यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मेघनाथ के प्राणों पर आया हुआ संकट समाप्त हो जाएगा और फिर कोई भी शत्रु मेरे पुत्र का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। स्वामी, आप तुरंत निकुंभिला देवी के मंदिर जाकर शक्ति यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। निकुम्भला देवी प्रसन्न हो, निकुम्भला देवी प्रसन्न हो, निकुम्भला देवी। मैं माताश्री की आज्ञा से आपके सामने यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा यह यज्ञ सफल कीजिए कुलदेवी। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं लंकेश्वर के सारे शत्रुओं को एक ही प्रहार में समाप्त कर दूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। निकुम्भला देवी शक्ति देही, शक्ति देही कुलदेवी। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। शक्ति देही कुलदेवी, शक्ति देही। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः स्वाहा। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच नमः
क्या तुम्हें अपने बाहुबल पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा जो ये यज्ञ करके निकुंबला देवी से सहायता मांग रहे हो? इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत क्या इतना कायर हो सकता है? मेघनाथ, मुझे तुम्हारी इस दयनीय स्थिति पर बड़ी दया आ रही है। बस मेघनाथ बस, मेरा कार्य संपन्न हुआ। जय श्री राम। मेघनाथ, अब मेरी और तुम्हारी अग्नि भेंट युद्ध भूमि में होगी। चलो हनुमान। जय श्री राम। प्रभु, मैंने रावण पुत्र मेघनाथ से केवल इतना कहा कि वो वीर है और वीर अपने शत्रु का सामना युद्ध भूमि में करते हैं, यज्ञ भूमि में नहीं। इतना कहना था कि वो उत्तेजित हो उठा और उसने अपना यज्ञ स्वयं ही नष्ट कर दिया। वीर हनुमान, ये हंसने की बात नहीं है, इससे तो मेघनाथ अब और भी भयानक हो उठेगा। जामवन जी, जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। मेघनाथ एक राक्षस वीर है, वो हनुमान जी के वचनों का सम्मान करने के लिए युद्ध भूमि में अवश्य आएगा। जामवन जी, और इससे हमारी रणकांक्षा पूर्ण हो जाएगी। भ्राता लक्ष्मण, मेघनाथ अब दुगनी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में आएगा। उसे आने दीजिए चाचा श्री। वीर हनुमान और भ्राता लक्ष्मण की शक्ति के सम्मुख मेघनाथ अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। प्रभु, यदि भ्राता लक्ष्मण चाहते तो मेघनाथ को वहीं समाप्त कर देते, परंतु लंकेश्वर विभीषण, मेघनाथ को वहां समाप्त करना ना तो न्यायपूर्ण था और ना ही उचित, इसीलिए भैया लक्ष्मण ने उसे वहां जीवित छोड़ दिया। हनुमान, जो हो गया उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, अब हमें आगामी युद्ध के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आप निश्चिंत रहे वानराज, अब हम शीघ्र अतिशीघ्र मेघनाथ को समाप्त कर डालेंगे।